try this yourself. It's extremely dangerous. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और जल्द से जल्द नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण तुर है। अगर आप उदास और दुखी है तो मेरा दावा है कि यह वीडियो देखने के बाद में आपकी आधी उदासी दूर हो जाएगी। हमारी उदासी और दुखी होने का सबसे बड़ा कारण हमारे लक्ष्य का पूरा होना ना होता है। हम सभी के मन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। कोई लड़की के पीछे भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, तो कोई दूसरों की खुशी को देख के खुद ही दुखी होता रहता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम किसी लड़की के बारे में सोचते हैं, उसे पटाना चाहते हैं, तो उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी हम उससे बात नहीं कर पाते, और जब बात करते हैं और लड़की के मना करने पर उसे रास्ते में ही विड्रॉ कर देते हैं। यह विड्रॉ और उससे छोड़ देना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, और धीरे धीरे हम देवदास बनने लग जाते हैं। कोई अधिक शराब पी के अपना गम भुलाता है, तो कोई एक कोने में बैठे हुए चुपचाप एक लोगों को देखता रहता है। यहीं पर हमारी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट आता है जब हमें अपने ऊपर भरोसा करना पड़ता है। हमें अपने दिमाग के सभी घोड़ों को दौड़ा देना चाहिए और अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। हम सभी बिना सोचे समझे बहुत ही जल्दी क्विट कर देते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि शायद भगवान ने उसे हमारे लिए बनाया ही नहीं। ऐसा करना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। हम पहली बार में ही अपना विश्वास खो बैठते हैं और दूसरी कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमें जब तक क्विट नहीं करना चाहिए जब तक हम अपने लक्ष्य को पूरा ना कर सके, क्योंकि आप लोगों ने सुना ही होगा कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। एक दूसरे उदाहरण के तौर पर मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जब भी कोई नया बिजनेसमैन अपना नया बिजनेस शुरू करता है, तो वह एक बड़े ही लक्ष्य को लेके अपना बिजनेस शुरू करता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि किस तरह वह जल्द से जल्द पैसा कमाए और अपनी एक अलग पहचान बना सके। एक बिजनेस में घाटा और फायदा तो होता ही रहता है, लेकिन घाटे और फायदे के बारे में ना सोचकर उसे अपने टारगेट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आज उसे घाटा हुआ है तो कुछ समय बाद उसे लाभ भी होगा। हम में से ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो दूसरों के सुख को देखकर खुद दुखी होते रहते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि उसने ये सुख वाली सीढ़ी किस तरीके से चढ़ी है। हमें दुखी ना होकर अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए और अपने बनाए हुए टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए माय फ्रेंड्स, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप अपने टारगेट के पीछे अपने हाथ पैर मुंह धोकर पूरी तरह पड़ जाओ। मेरा दावा है कि ऐसा करने के बाद आप अपने टारगेट को पा लेंगे और आपकी लाइफ की डिक्शनरी से यह दुख नाम का कीड़ा एकदम दूर भाग जाएगा। आपको ये कोशिश करनी होगी कि आप अपना ज़्यादातर टाइम अपने फ्रेंड्स और परिवार वालों के साथ में निकालें। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना मत सोचिए और बिंदास चलते रहिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे वह दिन आपके लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं होगा। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बोली गई इन बातों से आपकी आधी टेंशन तो दूर हो ही गई होगी। बस एक छोटी सी गुजारिश और है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट लाइक देना ना भूले। धन्यवाद।